उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी को मात देने के लिए उत्तर प्रदेश के हर एक जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक सफाई व्यवस्था को लेकर के गाइडलाइन जारी कर सभी जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को अलर्ट कर रखा है। लेकिन कुछ जगह स्वास्थ्य केंद्रों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त दिखाई देती है तो कुछ जगह सफाई व्यवस्था चौपट दिखाई देती है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के दिशा निर्देशों को कुछ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पालन करा रहे हैं तो कुछ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सरकार के दिशा निर्देशों को पनीता लगा रहा है, जिसमें साफ तौर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कहा जा सकता है कि सरकार के दिशा निर्देशों को पनीता लगाने में जुटे हैं। लगभग सभी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जा रही हैं। यहाँ पे मेन इस समय जो ना कोविड के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, टीकाकरण कराया जा रहा है। आज भी हमारा 5000 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का टारगेट है, जिस आज हमने 24 सत्र लगा रहे हैं हमारा, और हर सत्र पे हम पूरा अचीव करेंगे टारगेट। और सरकार की ये मंशा है कि हम सभी लोग, सारे ब्लॉकवासी, सारे हमारे जनपदवासी, हम कोरोना जैसी महामारी से तभी अपना बचाव कर सकते हैं 2 गज की दूरी रखकर, मास्क लगाकर और वैक्सीनेशन कराकर। सफाई व्यवस्था की क्या कंडीशन है अपनी निजी हॉस्पिटल में? हमारी सफाई व्यवस्थाएं अच्छी हैं और हमारा अभी भी इस महीने की जो रैंक है डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे आई है, CSC मुंडाबांडे। अच्छा, जिस तरीके से कोरोना काल में वेंटिलेटर बढ़े थे हर समुदाय में, किस तरीके से सरकार और प्रशासन ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के किस तरीके से वेंटिलेटर बढ़ाए थे? नहीं, वेंटिलेटर तो हमारे यहाँ पे नहीं है सुविधा CSC पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है। हमारे यहाँ इन्होंने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिले हैं हमें, जो सभी कार्यरत हैं, फंक्शनल हैं। और अभी हमारे यहाँ पे CSC पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जो अभी मतलब उस पर काम चल रहा है, प्लांट आ गया है, इंस्टॉलेशन का कार्य चल रहा है। और सभी ऑक्सीजन के लिए सभी वार्डों में ऊपर, सभी जगह पर जहां आवश्यकता है सभी पर ऑक्सीजन पाइपलाइन लग गई है। जो मरीज एडमिट है उनको किस तरह से इलाज दिया जा रहा है यहाँ? यहाँ पर कोविड के पेशेंट तो एडमिट डिस्ट्रिक्ट पर ही होते हैं। हमारे यहाँ पर जनरल पेशेंट जो एक्सीडेंटल केस या कुछ जो IPD पेशेंट आते हैं, हम उनको एडमिट करते हैं। उनको हमारे द्वारा जो भी जननी सुरक्षा योजना के पेशेंट यहाँ पर एडमिट होते हैं, यहाँ पर डिलीवरी होती है लगभग, क्योंकि महीने में 150 के लगभग प्रति माह डिलीवरी होती हैं। उन सभी को भोजन की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है और सारी सुविधाएं जो हमारे यहाँ सभी उनको दी जाती हैं। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, सफाई व्यवस्था अच्छी आपके हॉस्पिटल में दिख रही है, मुरादाबाद में नंबर 1 हॉस्पिटल है, यहाँ जो क्षेत्रवासी हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह अलर्ट है, कितने लोग यहाँ क्षेत्र के लोग वैक्सीन कराने आते हैं? हमारे यहाँ आज जैसे मैंने बताया कि हमारा 5000 का टारगेट है, हम उसको अचीव करेंगे। हमारा सभी 24 शासन लगाए जा रहे हैं और सभी पर अभी मैंने अभी रिपोर्ट में पूछा, लगभग 50% हमने अचीव भी कर लिया है। किस तरीके की अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं अपने अपने सभी ब्लॉक के लोगों से, जिला के लोगों से यही अपील करता हूँ कि 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, मास्क लगाएं और सभी लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम आने वाले जो तीसरी लहर के बारे में है, हम सभी को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। अच्छा, जो अपने हॉस्पिटल में कमियां चल रही हैं और बेड के बारे में और भी अन्य समस्याएं होंगी, तो उस तरीके से प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे अपने माध्यम से CSC के बारे में? जो भी हमारे द्वारा CMO सर से, DM सर से जो भी हमारे मांगे होती हैं, जो हमें चाहिए होता है, हमें मिलता है, समय पर उपलब्ध कराया जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा। इस टाइम सारी सुविधाएं अपने जो लेवल, जनपद लेवल इस तरह से समुदाय में होनी चाहिए वो है? हाँ, जो यहाँ पर होनी चाहिए, अभी एक्सरे मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन होनी चाहिए, वो अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके लिए प्रपोजल गया हुआ है और आ जाएगी, अभी बात हुई थी सर से। अच्छा, सफाई व्यवस्था को लेकर कितने कर्मचारी हॉस्पिटल में? सफाई को व्यवस्था को लेकर कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है, हम जो हमारा RKS रोगी कल्याण समिति का होता है, उसी से ही हम सफाई कराते हैं।